लाइफ तो लाइफ शो है उसमें तो यही मजा है लाइफ का कि इसमें छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। अच्छा ये तेल अब गर्म हो गया, अब हम इसके अंदर जो है वो मस्टर्ड की दो कलौंजी, कलौंजी हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे। ठीक है, अनियन सीड्स, कलौंजी को अनियन सीड्स यस, और वो राई होती है पॉपी सीड्स, राई होती है मस्टर्ड और पॉपी जो होती है वो खसखस जी, वो बड़ी कंफ्यूजिंग। अच्छा अब हम जनाब ये जो फिश है ये इसको हम इसमें रायदाने में को हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। बहुत डिफरेंट सी आपकी ये रेसिपी जी। हाँ बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें हम प्याज नहीं डाल रहे हैं, हम इसके सीड डाल रहे हैं कलौंजी के। ठीक है ना, अभी एक मैसेज पढ़ रही थी फेसबुक पे, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, उन्होंने कहा मेरी अम्मी वो तमाम डिशेस बना के हमें खिलाती हैं जो मुनव्वर साहब सिखाते हैं, चाहे वो दाल हो चाहे वो मुर्गी की हो, बहुत मज़े की बनती है। रियली रियली ये तो मुझे नहीं पता था, तो अम्मी जी सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू कि आप बना के इन्हें खिलाते हैं। अच्छा अब इसको हमने धीमे ही आँच में थोड़ा सा सौते कर रहे हैं। ठीक है, एंड फिर हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे अभी जो इसके अंदर हमने डालना है। चलिए जब तक हम यूएसए से कॉलर हमारे साथ हैं। हाँ हाँ जरूर। शाइस्ता शाहिदा, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक ठाक हूँ, क्या है किरण? बिल्कुल ठीक है जी, मजे में है, आप सुनाएं। हम भी मजे में हैं। मैंने यकीन करो जब आपका प्रोग्राम शुरू हुआ है तो कॉल करनी शुरू की है, अब जाके मिली है। कोई बात नहीं, अफसोस नहीं करना है, मिल गई, इस पे खुश होना है। जी आप तो मिल गए, लेकिन आपने पहले कहा था कि इंटरनेशनल कॉल वालों की जल्दी कॉल ले ले करेंगे, लैदा लाइन की हुई है। है ऐसा है, अलहदा लाइन तो है इंटरनेशनल कॉलर्स की, लेकिन मेरा ख्याल से फिर वो भी बिजी जा रही होगी। पर एनीवेज अब आपकी कॉल मिल गई है, आप मुझे बताएं शायदा क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहती हूँ कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, शायद मुनव्वर बहुत अच्छी चीजें बनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ, आप बनाती हैं हमारी डिशें? जी हाँ मैं ट्राई करती हूँ, मैंने दाल चा बनाया था आपका जो आपने बनाया था, बहुत अच्छा बना था। बहुत शुक्रिया जी, आज ट्राई कीजिएगा ना हमारे ये जो रेसिपी मुगलाई वीक, जो मुगलाई मन चला, इसमें से आपने कोई चीज नहीं बनाया हमारे मुगलाई? मैंने नोट किया। अच्छा, और अभी ट्राई नहीं किया। हाँ जरूर कीजिएगा, बल्कि फेसबुक पे ज्वाइन कीजिए हमारा पेज लाइवली वीकेंड्स का, उसमें रेसिपीज एंजॉय कीजिएगा फिर। ठीक है, ओके ओके। अच्छा जवाब तो बता दें, आप वैसे ही बता दें। क्या जवाब है? मैंने नहीं, दिल में डैश फूटना, लड्डू फूटना। आपकी ये क्या मिलेगा? मिल जाएगा। उम्मीद अच्छी रखें। देखते क्या मिलता है आपको। ओके थैंक यू शाहिदा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, एंड ये जो मैंने थोड़ा सा सरसों था इसको देखें आप, बॉईल होने के बाद इतना सा हो गया ये। और ये मैंने तकरीबन 3 से 4 वो लिए थे बंच, छोटे छोटे जो आते हैं। अच्छा, एंड हमने इसको बॉईल करके, ठीक है, इसको मशीन में पेस्ट नहीं करना है, इसको अच्छा। हाथ से हमने इसका काफी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। हाँ, एक बिल्कुल, एंड क्योंकि इसका नाम सरसों है तो इसलिए हम इसमें सरसों वैसे भी डाल रहे हैं सीड्स वगैरह, और ये थोड़ा सा फ्रेश और अच्छा अरोमा के लिए। ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ पे पेस्ट बनाने जा रहे हैं, मैंने 2 दरमियाने टमाटो इसमें डाल दिया है, और यहाँ पे जो एज पर इंग्रेडिएंट्स जो रेसिपी में लिखा हुआ है वो इसमें मस्टर्ड सीड है, इसमें खसखस है, ज़ीरा है, ये मैं इसमें डालने वाला हूँ। अच्छा, तीन मसाले वो है ये हमने डाल दिया इसके अंदर, और अब हम इसका पेस्ट बनाने जा रहे हैं। सही है, मैं थोड़ी देर अपने लैपटॉप के पास आ जाती हूँ। हाँ जी, देखें कुछ मैं इसमें, मुनव्वर साहब को भी चस्का पड़ गया है जी, चस्का पड़ गया है मैसेजेस पढ़ने का। हाँ, क्या कह रहे हैं, अच्छा लगता है ना, बहुत पता लगता है कि
फैमिली लव योर प्रोग्राम, आई वांट टू आस्क कि आप के लाइव प्रोग्राम पर किस तरह आ सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई. खलील साहब, आप बिल्कुल आ सकते हैं. आप हमें एक काम कीजिए, अपनी तस्वीर और आके आप सीखना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं, वो अगर सिखाना कुछ चाहते हैं तो रेसिपी का नाम आप भेज दीजिए, या फिर आप जो सीखना चाहते हैं, क्या रिक्वेस्ट है आपकी, हमें ईमेल कीजिएगा livelyweekends@masalatv.tv पर. और तमाम लोगों के लिए भी ये है कि अगर हमारे शो पर आना चाहते हैं, सीखना या सिखाना चाहते हैं, तो हमारे ईमेल एड्रेस पर हमें ईमेल कीजिए और हमें बताइए. अच्छा, अब ये जो टमाटो में मैंने डाला था मसाले, एंड इसके अलावा हाँ यहाँ मैंने भिगो के रखे हुए हैं, एक मिनट, ये कश्मीरी मिर्च. अच्छा, क्योंकि ये ड्राई होते हैं तो इसको हमने ज़रा सॉफ्ट कर लिया है, पानी में भिगो के रखा हुआ है, ये इसके अंदर हमने डालना है. अच्छा, सिर्फ पानी में भिगोई हुई है और इसको फिर हम तोड़ के ऐसे डाल दें. बिल्कुल. कितनी डाल रहे हैं आप? 2 से 3 इज इनफ. अच्छा, और टमाटर कितने लिए थे? टमाटो मैंने 2 लिए थे, दरमियाने. सही है. अब ये इसको मैं, ठीक है. अच्छा, कॉलर से बात कर लेते हैं हम जब तक ये ब्लेंड हो रहा है. ताहिरा है कराची से. अस्सलाम वालेकुम ताहिरा. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं किरण? बिल्कुल ठीक है. वही ताहिरा है जो पहले भी हमें कॉल करती हैं. जी जी, मैंने बहुत अरसे बात फोन किया आपको. वही वही आपकी वही. कल भी मैं बहुत मिलाती रही ना, मिला नहीं ना. अच्छा अच्छा, चले कोई बात. आप बड़ी अनोखी सी वो लाइन थी, क्या कहते हैं, अनोखी सी क्या चीज थी कल? कल अनोखा सा सवाल था ना. अनोखा सा सवाल, कच्ची मछली पक्की मछली. हाँ, मच्छी, हाँ. मच्छी कल मैं बहुत फोन मिलाती रही लेकिन मिला नहीं ना आपका फोन. आपको मालूम था? हाँ मालूम था ना. अच्छा, नहीं, मैंने पहली दफा सुना. आपका शो बहुत जबरदस्त जा रहा है माशाल्लाह से. हमारे शेफ तो जब से आए हैं बहुत अच्छा कुकिंग कर रहे हैं माशाल्लाह से. बहुत हर चीज बहुत अच्छी बनाते हैं, हम लोग ट्राई भी करते हैं. बहुत शुक्रिया आपका. ये सब आप लोगों का देखें, प्यार मोहब्बत है और फीडबैक है, जिसकी वजह से हम लोगों का भी दिल बढ़ता है. और आपसे एक मुझे फरमाइश भी करना थी सर. जी जी बिल्कुल, हुक्म करें. मुझे ना ये फरमाइश करनी थी कि आप काजू का कोई सालन बनाइए. मैं अभी पिछले महीने में जो है 15 डेज के लिए वहाँ गई थी श्रीलंका. वहाँ मैंने काजू का सालन खाया था, उसमें कोकोनट बहुत ज्यादा थी. जी, श्रीलंकन खानों में कोकोनट का बहुत इस्तेमाल है. कोकोनट में वो बहुत अच्छी, मतलब बहुत सारे, मतलब कोकोनट से खाली. हाँ. और उसमें बहुत मजायका था उसमें कोकोनट का. और अच्छा. ये काजू बहुत थे ना. अच्छा. तो वो सालन था, लेकिन वो मैंने पहले भी एक शो में कहा था कि मैंने स्पून से खाया, रोटी से खाने के बजाय. जरूर इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट, बल्कि आपकी रिक्वेस्ट काजू वाली जो है वो बस. अब जो मैंने इसके बाद जो रेसिपी बनाने जा रहा हूँ, केसर मुर्ग जिसे जाफरानी मुर्ग कह लें, उसके अंदर काजू मैं डाल रहा हूँ. जिस तरह से बनाइएगा. ताहिरा हमें आज का जवाब का जवाब दे दीजिए. लड्डू भूनना. वाह भाई वाह, आपको कल का भी मालूम था, आज का भी मालूम है. कुछ दे दिया जाए आपको? जी, आपका मतलब आपका जो ये किचन है ना, बहुत खूबसूरत लग रहा है. बिल्कुल मुगलियाई सा ही लग रहा है किचन भी आपका. जी, हमने बिल्कुल इसी तरह का ताज दिया कि हम मुगल बावर्ची खाने में. बहुत मुबारक, आप लोग बहुत कामयाब शो कर रहे हैं. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया. देखते हैं कि आज आप क्या जीतती हैं. ताहिरा, हमारा शो मिस नहीं कीजिएगा. ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज. अच्छा मुनव्वर साहब, हम ब्रेक भी ले लेते हैं. अच्छा, ब्रेक फौरन लेना है? नहीं नहीं, आपने जो एक मिनट दे दीजिएगा. जो मैंने पेस्ट बनाया था टमाटो का, और इससे पहले सॉरी वो बता चुका था मैं, जिंजर गार्लिक डाला है, और फिर वो पेस्ट उसके अंदर ये कश्मीरी मिर्च भी डाली, वो पेस्ट मैंने इसके अंदर डाल दिया है. अब ये पक रहा है, हमने चम्मच ज़्यादा नहीं लगाना है वरना मछली टूट जाएगी. और अब मछली मसाला नेशनल का वो मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ. ठीक है. और ये पूरा पैकेट आप कह रहे हैं? जी हाँ, एक किलो में ये 50 ग्राम का पैकेट है. ठीक है, ये मैं इसमें डालने जा रहा हूँ. चलिए, इसकी रंगत और इसकी खुशबू और बढ़ाएगा ये नेशनल का मसाला. हम यहाँ पर ले लेते हैं इसी बात पर एक लाइवली सी ब्रेक. आप लोग हमें 888 पर SMS कीजिए और देखते हैं कि कौन क्या जीतता है आज. स्टे ट्यून्ड.
आधा किलो, दरमियाने ताज़ा टमाटर दो, राई खशखाश जीरा एक एक चाय का चमचा, कश्मीरी मिर्च चार, अदरक लहसुन का पेस्ट दो खाने के चमचे, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, कलौंजी चौथाई चाय का चमचा, इमली का गूदा चौथाई कप, कड़ी पत्ते चंद, हरी मिर्चे तीन, नेशनल फिश मसाला एक पैकेट। अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन हम आपको वेलकम करते हैं लाइवली वीकेंड्स में। शाही महीने का आज हमारा ये लास्ट डे है और इसके बाद जो अब आने वाला हफ्ता है इंशाल्लाह वो भी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को पसंद आएगा। हेल्दी मंथ हम मना रहे हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज आपको मिलेंगी जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी होंगी, कुछ डाइट के हवाले से भी होंगी और हेल्दी होंगी, तो ये ज़रूर देखेंगे। यहाँ पर ये जो मछली की जो आपने शक्ल आई है और रंगत उसकी खुशबू, मतलब आज तो मुनव्वर साहब के मुंह में भी पानी आ रहा है। जी जी नाज़रीन कैसे हंसाती रहती हैं किरण। मैंने शो के स्टार्ट में ही कहा था कि हंसना मुस्कुराना ना छोड़िएगा हर वक्त, इससे आप रियली बिलीव करें कि इंसान बहुत खुश रहता है और हंसते खेलते छोटी छोटी बातों में खुशियाँ हासिल करें। अच्छा, अब ये मसाला मैंने डाल दिया था इसके अंदर और मसाला भी तकरीबन पक गया। अब इसमें इमली का जो हमने जूस, ये तकरीबन दो ऐसे बड़े या तीन चम्मच आप इसमें ऐड कर दीजिए और जनाब इसको हल्के से हिलाएं। इसको अगर हमने इसके अंदर चमचा मारा तो मछली टूट जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं टेक्निक कि आप कोई चीज़ पका रहे हो तो आपने सोचना है, आप गोश्त की बोटी नहीं पका रहे, आप चिकन की बोटी नहीं बना रहे, आप फिश विच इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट। मैंने खुश्का चावल के साथ तो ये बहुत चावल एंड प्लस रोटी चपाती गरम गरम चपाती के साथ, क्योंकि ये मसालेदार है, शोरवा नहीं है। चाहूंगी कि ये हमारे नाज़रीन मिस ना करें रेसिपी, इसका रीकैप बता दें। ये इसमें आप देखिए कि पहले हमने क्या स्टेप लिया था, क्योंकि काफी सारी चीजें पहले हमने जो मछली थी एक किलो फिले लिया या आप बोनलेस ले लें और जनाब उसको हल्दी और नमक से थोड़ा सा मैरिनेट करके रख दीजिए। फिर हमने तेल लेना है, आप चाहे सरसों का तेल ले लें या कोई भी तेल ले लें, तकरीबन दो से तीन टेबलस्पून, और उसके अंदर तकरीबन हाफ टीस्पून कलौंजी डाला गया, थोड़ा सा जब वो क्रैकल होने लगा फिर उसके अंदर हमने उस मछली को डाल दिया और थोड़ा हल्का हल्का सौते किया। उसके बाद उसमें अदरक लहसुन का दो टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला गया और फिर मैंने यहाँ ब्लेंडर मशीन में दो टमाटो लिया और उसके अंदर जो मसाला डाला हमने एज पर रेसिपी, इसके अंदर हमने खशखाश डाला, मस्टर्ड सीड, पॉपी सीड 1 टीस्पून, और मस्टर्ड सीड 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, ये डाला उसके अंदर, और दो से तीन हमने ये जो कश्मीरी मिर्च है जो हमने भिगो के रखा हुआ था ये भी डाल दिया इसके अंदर और इसका पेस्ट बनाया गया। फिर वो पेस्ट मैंने इसके अंदर डाल दिया। फिर उसके बाद हमने लिया नेशनल का फिश मसाला जो कि एक पैकेट है 50 ग्राम का, जो कि एक किलो के लिए बहुत अच्छा है, इनफ है, वो इसके अंदर ऐड किया और मछली को थोड़ा पकाया हिलाया इस तरह। मसाला थिक था, जस्ट मे बी 1/4 कप ऑफ वाटर गया इसके अंदर, वो डाल दिया इसके अंदर ताकि मसाला थोड़ा सा लूज़ हो जाए और इसको धीमे आँच में पकाया जा रहा है, ये हो गया। उसके बाद मैंने इमली का जो जूस था, पल्प ले लें आप, वो दो ऐसे बड़े स्पून जिसे कह लें आप करी स्पून, वो दो से तीन डाला। अब ये इसको छोड़ दिया। अब ये